हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। दोस्तों, आज तक अभी अब आपने अगर हमारी चैनल टेक बिला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रेड बटन लिखा जिसमें सब्सक्राइब लिखा उसे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ स्टार मेकर ऐप, जो कि स्टार मेकर कैरियोके एक ऐप है। इसमें आप अपना प्रोफेशनल जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाना जो भी आप गाना गाना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसको देखेंगे कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे वीडियो बनाना, सारी चीज़ें। अगर आपने अभी तक इसमें साइन इन नहीं किया है तो कृपया कर लें, जिसमें आप अपना मोबाइल से भी साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने जीमेल से भी साइन अप कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आप जी प्लस से भी साइन इन कर सकते हैं। तो जिससे भी आप साइन इन करना चाहें कर लीजिए। दोस्तों, इसमें आप जो है अपना साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद में जो है कि आप अपनी स्क्रीन ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दी हुई रहेंगी। जो ट्रेंडिंग इसमें बने हुए वीडियोस हैं वो देखेंगे। इसके बाद में जो आपको जो मेन ऑप्शन है बीच में बना हुआ सिंगिंग का, इस पर आप क्लिक करिए। और इसके बाद में आप इसमें से जो भी गाने आपको सिलेक्ट करना है उसको क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए। और सोलो में अगर करना चाहते हैं तो सोलो करिए। अगर आपको आपको डुएट करना है तो डुएट कर सकते हैं कोलैब के साथ में। इसके बाद में आप अगर इसमें अलग तरह, इसमें जो है हम अभी सोलो को सिलेक्ट कर लेते हैं, सोलो गाना गाते हैं। और करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक कर देंगे सोलो पे, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आपको हेडफोन का यूज़ ज़रूर करना है रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है प्रॉपर रिकॉर्ड सके और मॉड्यूलेट हो सके ढंग से। तो हेडफोन का आपको यूज़ करना है। इसको हम एग्री कर देते हैं, और जैसे ही इसके बाद में हम एग्री करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आपका ऊपर ऑप्शन दिए हुए है। आप डायरेक्ट भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो हमारा जो गाने की लिरिक्स है वो शुरू हो जाएगी। और लिरिक्स आने के बाद में आपको तुरंत उसमें जो है गाना गाना शुरू कर देना पड़ेगा। जैसे जैसे वो आपके सामने ग्राफिक्स चलेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना होगा। नीचे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और जैसे ही हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, या आप देख सकते हैं हमारे सामने गाने का जो बोल है शुरू हो गए हैं। और जैसे ही आपको स्टार्ट करना है, वो सामने से आपकी लाइन आनी शुरू हो जाएंगी और उसको आपको गाना शुरू करना है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इसके बाद में आप वेट करिए, जैसे ही वो आपका जो आना शुरू हो जाएगा फिर से आपको स्टार्ट करना होगा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से लिरिक्स आती आएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको बोलते जाना है और रिकॉर्ड करते जाना। ध्यान रखना है कि जो माइक है आपका वो बिल्कुल मुंह के पास रहे। और मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताने के लिए बनाया था। और जैसे ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं आपको यहाँ पे पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि आपने कितना अच्छा गाया है, उस हिसाब से पॉइंट बताया जाता है। इसलिए बहुत अच्छा ऐप है। और इसके बाद में आपका जो गाना यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ वो यहाँ से प्ले होता जाएगा, और आप सुनते जाएंगे कि आपकी आवाज़ आपको खुद कैसी सुनाई दे रही है। ये आप चेक करिए। इसके बाद में यहाँ पे नीचे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिया हुए हैं, इफेक्ट्स दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। और इसके बाद में वॉल्यूम में आप अपनी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इफेक्ट्स में जो आपके चार टाइप के इफेक्ट दिए हुए हैं, इसमें आप अलग अलग इफेक्ट लीजिए। और इसके आगे भी और भी इफेक्ट दिए हुए हैं, इनको आप एक एक करके सिलेक्ट करके देखते जाइए इसमें से कौन से इफेक्ट में आपकी प्रॉपर वॉल्यूम सुनाई दे रही है। अगर नहीं दे रही है वॉल्यूम प्रॉपर, तो आप इस इफेक्ट को हटा दीजिए। इसमें जो पहले इफेक्ट हैं वो इफेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो ये इसमें ऑटो ट्यून करके इफेक्ट दिया हुआ है, ये फिलहाल ऑटो ट्यून में इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं है, फिर भी आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई फनी वॉइस जनरेट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद में हॉल इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके सामने जो ब्लू कलर का आइकन है, हॉल इफेक्ट देख सकते हैं। और इसके आगे फिर आपका अदर ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से आप बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट को यूज़ करिए। इसमें देखिए आपको कौन से इफेक्ट में आपकी वॉल्यूम बहुत अच्छी आ रही है, उस इफेक्ट को आप यहाँ पर डाल के उस वॉल्यूम के साथ में आप इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए। इसके बाद में वॉल्यूम में आप देख सकते हैं, वॉल्यूम दो टाइप की दी हुई है, वॉल्यूम दी है और म्यूज़िक की वॉल्यूम दी है। अगर आपको अपनी वॉल्यूम मध्य रिकॉर्ड हुई है तो आप अपनी वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा दीजिए और म्यूज़िक की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। सपोज़ आपकी वॉल्यूम बहुत तेज़ आ रही है तो अपनी यहाँ से वॉल्यूम को खुद कम कर दीजिए वॉइस को, और म्यूज़िक की वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। तो उस तरीके से आपकी जो एडजस्टमेंट है प्रॉपर यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, और उसे म्यूजिक ही म्यूजिक सुनाई नहीं देगी, या आपकी आवाज़ ही आवाज़ से सुनाई नहीं देगी। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे खुद ही मिक्स कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अपने वीडियो को यहाँ से फाइनल कर देते हैं। फाइनल करने के बाद पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो पोस्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है अपना वीडियो 60 सेकंड, कम से कम मिनिमम 60 सेकंड यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ओके को प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि 60 सेकंड से मेरा कम अभी रिकॉर्ड हुआ है तो ये प्रॉपर नहीं होगा। जैसे ही आप, क्योंकि पूरा गाना गाएंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, और जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछेगा, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इधर फिलहाल एग्जिट हो जाता हूँ,
और एग्जिट होने के बाद में हम यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन देखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आइकन दिया है, इतनी सारी म्यूज़िक दी हैं इनमें सारी में, आपको यही एक सेम तरीका है, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करना है, रिकॉर्ड करना है अपनी वॉल्यूम के साथ में, और रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको यूज़ करिए। और इससे जुड़ा अगर कोई भी सवाल जवाब है तो हमारे वीडियो के नीचे आप हमें पोस्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, और हम आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देने का पूरा पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जैसे आप बाहर जाएंगे तो यहाँ ट्रेंडिंग में दिया हुआ है, ट्रेंडिंग में आपके जितने भी वीडियोस लोग पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो टॉप में है वो लोगों का आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, जिसमें से जो टॉप लोग हैं जो जिनकी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, जिनने वीडियो के साथ में यहाँ पे ऑप्शन यूज़ किया है। और दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो का आइकन मैंने आपको ऑप्शन बताना छूट गया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जब भी प्ले करेंगे, जैसे मैं सोलो पे प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद में जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, यहाँ ऊपर आइकन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है, साइन बना हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिकिंग देखेंगे, देखिए आप सामने हमारी स्क्रीन दिख रहा है, तो आप अपनी फ़ोटो के साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाते हुए वो अपना वीडियो बना सकते हैं, और बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। देखिए खोल दिया तो ये फिर से चालू हो गया, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आप जो है कि अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, अगर आपको कैमरा फेयर है तो बिना उसके भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे म्यूज़िक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद में बीच में सिंग का ऑप्शन दिया, लास्ट में आपका प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप प्रोफाइल में अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जो भी आपने बनाए हैं वो पास सारे पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और भी लोग आपकी प्रोफाइल में आके देख सकते हैं। इसमें कोलैब दिया हुआ है, सॉन्ग्स दिए हुए हैं, ड्राफ्ट दिया हुआ है, ड्राफ्ट में अगर कोई सेव कर देते हैं, लाइक्स दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख जाए। टैगविला को अगर आपने अभी तक हमारी टैगविला को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारी वीडियो आप हमसे लगातार देख सकें, और पुराने देखे गए वीडियो को आप फिर से बार बार अपडेट कर सकें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टैगविला में, स्टे रॉक।